स्टैट्स के जो सेकंड पार्ट है उसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस पीक दैट मींस इसके टॉपिक्स देखेंगे। मोमेंट्स आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन के टाइप में और वो मैं आपको दिखाऊंगी इसमें नोट्स वगैरह कि किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं मोमेंट और म्यू वन डैश और म्यू वन के। यहाँ पे ए आपका एज्यूम्ड मीन है और एक्स बार यहाँ पर आपका मीन है। तो म्यू वन डैश किस तरीके से निकाला गया है यहाँ पे ये इसका देन ये आप इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेविएशन की फॉर्म में। ये इसका फॉर्म इसके दोनों फॉर्मूलेज होते हैं ये। और जिस तरीके से ये म्यू वन डैश का ये फॉर्मूला निकला है उसी तरीके से हम ये म्यू वन फोर म्यू वन टू वगैरह का भी निकाल सकते हैं। लास्ट अभी म्यू वन डैश निकाला ये म्यू वन है। म्यू वन की वैल्यू हमेशा ज़ीरो आती है तो काफ़ी बार क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि आप म्यू वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्रूफ करो। तो जस्ट सिंपल सा वन मार्क का प्रूफ है यहाँ पर ये। देन म्यू टू जो होता है वो आपका वेरियंस के इक्वल होता है। यहाँ पे स्क्वायर कर रखा है ये इसके इक्वल होता है तो ये भी पूछ सकता है कि इसके इक्वल प्रूफ करो। तो यहाँ पर नेक्स्ट इसका डेरिवेशन है आपका जो फॉर्मूला होता है म्यू टू का कि समीशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये नहीं होता माइनस ए प्लस ए आपका नहीं होता वो हम खुद से माइनस और प्लस ए ऐड करते हैं। तो इसका आंसर म्यू टू का आंसर ये है आपका। नेक्स्ट है म्यू थ्री। यहाँ पे म्यू थ्री को सॉल्व करा गया। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि म्यू टू वाला कैसे सॉल्व करा। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। देन म्यू थ्री के बाद म्यू फोर है देन ये म्यू फोर डैश निकाला हुआ है। उसके बाद म्यू वन जो आपका मैंने स्टार्टिंग में निकाल रखा था वो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली लिखा हुआ है जस्ट रिपीट हो रहा है। अगर वहाँ पे समझ में ना आया हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं म्यू वन डैश और म्यू टू डैश का ये कंटिन्यू हो रहा है म्यू टू डैश का। फिर है आपका म्यू थ्री डैश। देन आगे है म्यू फोर डैश। ये यहाँ पे लास्ट की एंडिंग है। ज़्यादातर तो म्यू फोर डैश तक ही पूछा जाता है उससे आगे नहीं पूछा जाता काफ़ी लेंदी हो जाता है अदरवाइज़। फिर उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है कि आपको म्यू वन डैश म्यू टू डैश को निकालना है तो आपको सीरीज़ गिवन है डिस्क्रीट सीरीज़ गिवन है और फॉर्मूले में पुट करके कैसे निकालते हैं। सो ये आपके फॉर्मूलेज होते हैं उससे पहले आपको ये सारे कॉलम्स बनाने होंगे एफ डी स्क्वायर ये सारी चीज़ें निकालनी होंगी और उसके बाद जस्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाला हुआ है। एंड देन उसके बाद म्यू वन डैश वगैरह कैसे निकालेंगे यहाँ पर रीवेरीफिकेशन का वे बताया हुआ है। फिर म्यू वन हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है तो आपको वो निकालने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रेट अवे आप ज़ीरो लिख सकते हो। ये जैसे कि आपका यहाँ पे एक्स बार जो है मीन जो है वो 7.14 आया है तो म्यू वन डैश जो आपका आया था दैट इज़ एक्स बार माइनस ए एज्यूम्ड मीन है वो आप यहाँ पे म्यू वन डैश जो आपने ऊपर वैल्यू निकाली है म्यू वन डैश की जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे पुट करके आप ये एक्स बार की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ये रीवेरीफिकेशन हो जाएगा कि ऊपर की वैल्यूज़ ठीक आई हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल आ रही हैं। म्यू वन आपको हमेशा स्ट्रेट अवे ज़ीरो ही लिखना है म्यू टू की वैल्यू जस्ट ये फॉर्मूला पुट करके निकालनी है। देन आगे म्यू थ्री एंड म्यू फोर निकाला हुआ है ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का एक फॉर्मूले में जस्ट पुट कर रखा है तो हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये देख सकते हो। आगे स्क्यूनेस और जो कर्टोसिस आने वाला है उसमें जो फॉर्मूलेज हैं उसके ये फॉर्मूलेज बीटा वन और गामा वन के फॉर्मूला है और इसमें बीटा टू और गामा टू होता है तो इसके स्ट्रेट अवे हमें ये फॉर्मूलेज लर्न करनी होती हैं। ये वैल्यूज़ जैसे हमने अभी ऊपर निकली हैं तो उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करके निकालना होता है। तो कर्टोसिस का भी दिखा देती हूँ। ये है गामा टू का जो फॉर्मूला है उसमें जस्ट वैल्यू पुट करी हुई है।